बारिश की वजह से शहर की पावर सप्लाई फिर से ठप हो गई। मरम्मत कार्य और पेड़ों की छटाई की वजह से लिए जा रहे शटडाउन के अलावा फॉल्ट भी शहरवासियों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को भी करीब 6 सब स्टेशनों से शटडाउन लिया जाएगा। कहीं मरम्मत कार्य होगा तो कहीं पर पेड़ों की छटाई होगी। इसके अलावा दिन भर में जो फॉल्ट होंगे वह अलग। इस वजह से करीब 3 लाख की आबादी प्रभावित रहेगी। आपको बता दें कि बुधवार को भी शहर के 8 सब स्टेशनों के इलाकों में बिजली की आंख मिचौली जारी रही। फॉल्ट होने से लाइट कट गई। कई जगह तो देर रात तक मरम्मत का कार्य चलता रहा। आपको बता दें कि गुरुवार को मरम्मत के लिए दिल्ली सुजानपुर सब स्टेशन को कोयला नगर के अंतर्गत गंगापुर फीडर की आपूर्ति सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक शटडाउन रहेगी। इस कारण राम रतन नगर, गंगापुर गांव, रघुनाथपुरम और स्वर्ण जयंती विहार के सेक्टर 5, 6 एवं 7 में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इसके अलावा गुरुवार को ही मेट्रो निर्माण कार्य के लिए किदवई नगर के परमपुरवा के मछली मार्केट मिलिट्री कैंप से सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक शटडाउन लिया जाएगा। आपको बता दें इस वजह से मछली मार्केट, होल्ड स्ट्रीट, टीटी नगर के इलाकों में लाइट नहीं रहेगी। इसके अलावा कई सब स्टेशनों से शटडाउन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।